सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फूबी इंजीनियर्स। तो इस लेक्चर में मैं पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ। आज लेक्चर वन है हमारा पॉलिटी का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीएम्बल। ठीक है, तो प्रीएम्बल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं आज हम। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने ला के रखा हूँ। तो हर टॉपिक वाइज, जैसे कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ गाइस, टॉपिक वाइज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, वही क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। डीप में पढ़ना है तो बहुत सारे सोर्सेस हैं, आप चीजों को डीप में वहां से पढ़ सकते हैं। टाइम कम है गाइस, 1.5 महीने का वक्त है और 1.5 महीने में हमें बहुत कुछ कम्प्लीट करना है, इसलिए मैं सोचा कि टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को हमारे, ताकि बाकी लोग भी पढ़े। प्रीएम्बल प्रस्तावना, पॉलिटी का जो पहला टॉपिक होता है गाइस, पहला चैप्टर होता है, वो होता है प्रीएम्बल। तो जब भी हमारा प्रस्तावना देखोगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था हमारा, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है और बुक का जो पहला पेज है प्रीएम्बल, जिसमें प्रस्तावना जिसको कहते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ही हमारा इस टॉपिक से बनता है, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम द प्रीएम्बल। ठीक है, तो क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलता है प्रस्तावना से। तो इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अपना जो संविधान है उसके बारे में डिटेल में चीजें बताई गई है। ठीक है, तो प्रस्तावना से हमें क्या जानकारी मिलती है, इट्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंट आ रहा है गाइस कि हिंदी में टॉपिक को करें, तो गाइस मैं, क्या होता है कि सब चीज़ों को तैयार करने में, अब मैं तो अकेला हूँ गाइस, मुझे ही टाइपिंग भी करना पड़ता है, मुझे भी तो वीडियोस लेक्चर भी रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, तो इतना टाइम तो रहता नहीं गाइस कि चीज़ों को हिंदी भी करो इंग्लिश में करो। बट मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ गाइस, मैं हिंदी में भी चीज़ें बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको हिंदी में चीज़ें बताने का। क्लियर है, इंग्लिश जस्ट अ वर्ड। ठीक है, ये इसमें कुछ वर्ड्स है बट समझ तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ, मैं समझा तो आपको हिंदी में ही रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया, 20 क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से मैं लेकर आया हूँ। टोटल 20 क्वेश्चन इस लेक्चर में, 17 क्वेश्चन के आसपास है प्रीएम्बल से बनता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन गिवन द नेम ऑफ इट्स सोल। भारतीय संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा का नाम दिया गया। ठीक है, तो प्रीएम्बल को ही दिया गया, प्रस्तावना को ही दिया गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इंस्पायर्ड बाय द आइडियल ऑफ इक्वलिटी फ्रीडम एंड फर्टिनिटी एस्टैब्लिश्ड इन द प्रीएम्बल, प्रस्तावना में स्थापित समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श से प्रेरणा कहाँ से प्रेरणा ली गई है। इक्वलिटी फ्रीडम और फर्टिनिटी की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, कहाँ से इंस्पायर होकर इस चीजों को लिया गया है प्रीएम्बल में, तो फ्रांसिस क्रांति से ली गई है। ठीक है, फ्रांसिस क्रांति से ये चीज ली गई है। अगला है, अरेंज वर्ड्स इन अकॉर्डिंग टू रिटन ऑन प्रीएम्बल। आपको इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, 5 ऑप्शन देगा और बोलेगा कि इसको अरेंज करें प्रीएम्बल में जिस तरीके से लिखा गया। प्रीएम्बल में सबसे पहले संप्रभुता के बारे में बताया गया है, सौवर्जन के बारे में। सेकंड नंबर पे समाजवादी के बारे में बताया गया है। थर्ड पे हमारा धर्म निरपेक्ष के बारे में लिखा गया, डेट इज सेकुलर। फोर्थ में हमारा डेमोक्रेटिक लोकतंत्र के बारे में लिखा गया है, एंड फिफ्थ इज रिपब्लिक के बारे में बताया गया। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 हमारे प्रस्तावना में लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, व्हाट टाइम टू टेक टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको लिखने में कितना टाइम लग गया था। तो 2 साल 11 महीना था 18 दिन लगे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इसको। ठीक है, सिक्स है हमारा, हु फर्स्ट प्रेजेंट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। भारत के लिए संविधान के निर्माण के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो स्वराज पार्टी ने 1994 में दिया था इसके बारे में सबसे पहले। ठीक है, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ, When did the first session of Constitution Assembly of India begin? तो इसका आंसर होता है 9 दिसंबर
1994 से स्टार्ट हुआ था दिल्ली के काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी रूम से, और इसके जो पहले स्पीकर थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 8th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई मुस्लिम लीग बायकॉट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट संविधान सभा थी उसको जो मुस्लिम लोग बायकॉट कर दिए थे। ठीक है, मुस्लिम लीडर्स जो थे वो बायकॉट किए थे, उसमें आते नहीं थे वो। क्यों नहीं आते थे? बिकॉज वो चाहते थे वांट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मुस्लिम, वो चाहते थे मुस्लिम के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और हिंदू के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, इसलिए वो बायकॉट करते थे। बट संविधान सभा में हमें हिंदू मुस्लिम को एक रखकर चीजें बनाई जा रही थी, बट जो हमारे जिन्ना भाई थे उनको ये चीज मंजूर नहीं थी, है ना। हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इन चारों में से कौन है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं है? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आचार्य जेबी कृपलानी, सी लोकनाथ जय प्रकाश नारायण और डी के एम मुंशी। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, लोकनाथ नहीं थे। ठीक है, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, क्लियर है। अगला देखिए, बाय हुम वाज द सेकंड प्रपोजल प्रपोज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के लिए दूसरा प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 AD में कैबिनेट मिशन योजना के थ्रू रखा गया था सेकंड संविधान सभा के लिए। ठीक है, नाउ व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो जब भारतीय संविधान, कब भारतीय संविधान का गठन विधानसभा द्वारा स्वीकार किया गया था, ठीक है, या राज्यसभा द्वारा स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार किया गया। ठीक है, अगला है, When the Indian Constitution is launched, भारत की संविधान किस दिन लॉन्च हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, Indian Constitution Day first celebrated, सबसे पहले Indian Constitution Day कब मनाया गया था? तो 26 नवंबर 2015 को, जब हमारी मोदी सरकार आई थी, तब से ये मनाया चालू किया गया था, 26 नवंबर 2015 से। ठीक है, ओरिजिनल कॉपीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज केप्ट ऑन, जो ओरिजिनल कॉपी है हमारी संविधान की, जो पहली ओरिजिनल बुक है उसको कहाँ पे रखा गया है? उसको हीलियम फिल्ड केसेस, ठीक है, हीलियम से भरा हुआ एक ग्लास है उसके अंदर वो बुक रखा गया है फॉर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, क्लियर है, हमारे उसमें हीलियम फिल्ड करके रखे ताकि जो पन्ने हैं पेपर्स हैं वो खराब ना हो। ओके, 15th क्वेश्चन है, नेशनल एंथम वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच कांग्रेस सेशन, ठीक है, कौन से कांग्रेस सेशन में सबसे पहले नेशनल एंथम गाया गया था? तो कोलकाता सेशन में गाया गया था इन 1911 में, याद रखना 1911 में। ठीक है, कोलकाता सेशन में गाया गया था 1911 में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, और किसके थ्रू लिखा गया था हमारा नेशनल एंथम? जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर के। ठीक है, याद रखना। 16th क्वेश्चन है, ऑन विच डे डिड इंडियन नेशनल एंथम गेट ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन, जो हमारा नेशनल एंथम था इंडियन नेशनल एंथम, किस दिन उसको ऑफिशियली बोला गया था कि हाँ ये चीज अब लागू किया गया था? दैट इज 24 जनवरी 1950 में, 24 जनवरी 1950 को ये चीज ऑफिशियली हो गया था हमारा नेशनल एंथम। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आज का पॉलिटी का, इन विच अमेंडमेंट वॉज एडेड टू द सोशलिस्ट सेकुलर, ठीक है, तो संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया सोशलिस्ट और सेकुलर। ठीक है, ये 42 अमेंडमेंट 1976 के थ्रू एड किया गया था। ठीक है, तो 42वां संशोधन था उस अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, क्या जोड़ा गया था? सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पॉलिटिक्स से। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।